अस्सलाम वालेकुम आज लाइव मैं आप लोग के लिए चिकन कीमा कबाब की बहुत ही आसान रेसिपी जो बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान सी रेसिपी को बनाना तो यहाँ पे इसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया था यानी बोनलेस चिकन लिया था अच्छी तरह से धो के इसे मिक्सर के जार में डाल के पीस के इसका कीमा तैयार कर लिया है इसके बाद एक फ़्राई पैन में आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है तेल को अच्छे से फैला लेना है इस तरह से इसके बाद इसमें एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और दो मिनट तक अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए जब दो मिनट हो जाए तो इसमें डाल देना है चिकन का कीमा कीमे का कलर चेंज होने तक हमें कीमे को मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। तो कीमे का कलर चेंज हो गया है तो बस इसमें कुछ मसाले ऐड कर देना है एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच जीरा पाउडर एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला इन सारे मसालों को हमें कीमे में डाल देना है नमक डाल देना है तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से कम नमक डाला है क्योंकि आगे चल के भी नमक डालना है तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब इसमें एक ग्लास भर के पानी डाल देना है पानी डाल के अच्छी तरह से इसे चला लेना है अब गैस का फ्लेम कर देना है बिल्कुल स्लो और ढक के 10 से 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पका लेना है ताकि चिकन का कीमा अच्छी तरह से गल जाए पक जाए तो 10 मिनट हो गया है पानी भी अच्छी तरह से सूख गया है और चिकन का कीमा भी अच्छी तरह से पक गया है तो बस इसे दो मिनट तक चला लेना है जब दो मिनट हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा कर लेना है एक तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने कीमे को निकाल के ठंडा कर लिया है जब कीमा ठंडा हो जाए तो इसमें उबले हुए आलू डाल देना है तो दो मीडियम साइज़ के आलू को मैंने उबाल लिया था उबालने के बाद इसे कद्दूकस कर लिया है इसे डाल देना है कीमे में इसके बाद इसमें एक मुट्ठी हरा धनिया को बारीक कट करके डाल देना है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी बारीक कट करके डाल देना है आधा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है यहाँ पे मैंने क्योंकि नमक का इस्तेमाल मैंने पहले भी किया था और चाट मसाले में भी नमक होता है तो बस इसे हाथों से अच्छी तरह से मिला लेना है अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे कबाब की शेप दे देनी है देखिए इस तरह से कबाब की शेप देना है तो सारे कीमे का कबाब मैंने बना के यहाँ पे साइड में रख लिया है तो अब इसे फ्राई कर लेना है तो यहाँ पे दो अंडे मैंने एक कटोरी में तोड़ के रख लिया है इसमें एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना है बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देना है और कुटी हुई लाल मिर्च डालना है यानी रेड चिली फ्लेक्स डालना है अच्छे से फेट लेना है अंडों को फेट लेना है इसके बाद एक कबाब लेना है अंडे में अच्छी तरह से डालना है इस तरह से कोट कर लेना है अब यहाँ पे फ्राई पैन में मैंने तेल रख दिया था गरम होने के लिए एक एक करके कबाब को डालना है जब एक तरफ कबाब का कलर चेंज हो जाए तो पलट के दूसरी तरफ भी पका लेना है तो दोनों तरफ से कबाब अच्छी तरह से पक गए हैं कलर भी अच्छी तरह से गोल्डन आ गया है बस इसे एक प्लेट में निकाल लेना है बाकी के कबाब को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है तो बहुत ही ज्यादा मजेदार चटपटा सा ये कबाब बन के तैयार हो जाता है तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो रखिएगा अपना खूब सारा ख्याल मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़